क्या होता है जब कंपनी प्रीमियम पे शेयर को इशू करती है, हम लोग क्या करते हैं? जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि पास दिस नेसेसरी जर्नल एंट्री व्हेन द कंपनी इश्यू शेयर, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि हम लोग प्रीमियम को कैसे दिखाएंगे अपने जर्नल एंट्री में। तो आइए, आज का जो हमारा सेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ शेयर को प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं उसके बारे में जानेंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं दराव क्लासेस, तो चलिए चलते हैं। जब भी कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है, इसका कहने का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर की जो वैल्यू रखी है उन्होंने अपने उनके फेस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा रखा है। वो कुछ भी हो सकती है, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड होती है कि कंपनी जो है अपने शेयर को कितने रुपए ज्यादा पे या फिर मतलब कितने रुपए से ज्यादा वो शेयर करना मतलब इशू करना चाहती है। तो आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे पहले से एक एग्जांपल ले रखा है, मैं आपके सामने में इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम लोग प्रीमियम पे अगर कभी भी शेयर इशू करते हैं तो उसके लिए नेसेसरी जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं। बाकी जो चीजें मैंने आपको पहले अपने वीडियो सेशन में बताया था कि अगर शेयर को एट पार पे इशू करते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं, थोड़ी सी मैंने झलक बताई थी आपको प्रीमियम के बारे में। तो मैं सोचा कि नहीं, थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए कि प्रीमियम पे अगर कंपनी शेयर को इशू करती है तो उनके पास में नेसेसरी ऑब्लिगेशंस का क्या होती है। तो देखिए कि मैंने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, इसे पढ़ लेता हूँ। Jet Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share on allotment payable as follows. First, rupees 3 on application, rupees 6 on allotment along with your premium, and rupees 3 on first and final call. Though all shares were applied for and duly allotted, तो आप बताइए कि आपको necessary journal entries का क्या pass करनी है, आप क्या दिखाएंगे अपने journal entries में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है कि जब आप एप्लीकेशन का अमाउंट को कंपनी रिसीव करती है तो सबसे पहले वो क्या करेंगी, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगी, क्योंकि बैंक अकाउंट में मनी रिसीव होता है। क्योंकि आपको एप्लीकेशन के समय में मालूम होता है कि जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स जो बनना चाह रहे हैं, जो पब्लिक हैं, उन्होंने अपने एप्लीकेशन की जो मनी है वो उन्होंने कितना पे किया है, तो वो आपको मालूम चल जाता है एप्लीकेशन के समय। तो पहले आप मनी को रिसीव करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि एडजस्ट कर देते हैं। तो आपकी जो बैंक अकाउंट होगी वो डेबिट हो जाएगी 2000 से, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन की जो फेस वैल्यू है वो है 3 रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है, तो सर 10,000, 3 × 10,000 होता है 30,000। इसीलिए आपका जो बैंक अकाउंट होगा वो 30,000 से आपका डेबिट हो जाएगा, एंड इक्वल क्रेडिट विल बी गिवन टू योर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि वो रुपया कहाँ जाता है, एप्लीकेशन के हेड में जाता है। कौन सा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के हेड में जाता है। दूसरी जो आपकी एंट्री होगी वो होगी कि आपका एप्लीकेशन का जो मनी है वो जाएगा कहाँ, एडजस्ट कहाँ करेंगे। जैसे कि आपका अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप पढ़ते होंगे तो आपके पार्टिकुलर पार्टनर्स के पार्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर होता है। तो अगर आप शेयर की बात करें कंपनीज के केस में, तो आपका शेयर का जो वैल्यू होगा या अमाउंट जो आपने रिसीव करा है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब वो इक्विटी शेयर कैपिटल है तो सर वो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर में जाएगा। अगर वो आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस आपकी जो प्रेफरेंस नेचर के अगर आपकी शेयर है तो वो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। तो आपने देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होती है उसके बाद आपको क्या करना होता है। अब इसके बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि आपकी जो प्रीमियम की जो वैल्यू है वो आप रिसीव कर रहे हो अलॉटमेंट पे, इसीलिए आपको सबसे पहले जो ये जो एंट्री है वो तो आपको दिखानी होगी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्रीमियम पे शेयर को इश्यू करते हो तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्योंकि आप जानते हैं कि एप्लीकेशन में पहले हम लोग रुपए को रिसीव करते हैं, बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि आप पहले, जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो स्कूल में, तो आप पहले अप्लाई करते हो, बाद में आप एडमिशन का फी वहां पर पे करते हो। तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ रुपए आपको पे करके अपने नाम को रजिस्टर करवाना होता है। उसी तरीके से कंपनी के शेयर खरीदते समय आपको सबसे पहले अपने नाम पे शेयर्स को रजिस्टर करवाना होता है, उसके लिए अप्लाई करनी होती है। तो जब आप एक बार अप्लाई कर देते हो तो आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन उसके बाद आपके नाम पे आपको वो जगह देने के लिए, आपको नेक्स्ट आपको जब कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके हिसाब से वो अलॉट करने के लिए, मतलब आपके सीट्स को आपके नाम पे अलॉट करने के लिए कंपनी अलॉटमेंट का केस वहां पर आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो देखिए कि अलॉटमेंट पे हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए,
कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, जैसे कि अगर आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आप जब मनी को रिसीव करते हो, आपको पहले क्या दिखाना होता है? तो आपको पहले दिखाना होता है कि अलॉटमेंट पे आपकी कितनी मनी ड्यू है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू वो 6 रुपए है, 6 रुपए आपके 2 रुपए उसमें तो प्रीमियम की जुड़ गई, तो 2 रुपए जो प्रीमियम की है तो 2 रुपए आपको प्रीमियम की अलग से दिखानी होगी। 6 रुपए में 2 रुपए का तो कितने बचे? 4 रुपए। 4 रुपए आपके क्या है कि वो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है। तो आपकी जो फेस वैल्यू होगी उसको दिखाना है आपके शेयर कैपिटल अकाउंट से, और जो 2 रुपए आपके प्रीमियम की है वो दिखाएंगे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के हेड से। तो अगर आप 4 रुपए से दिखाते हो तो 10,000 × 4 rupees = 40,000 एंड 2 rupees × 10,000 shares = 20,000। मतलब कि आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू जो होगी ड्यू दिखाएंगे हम लोग शेयर कैपिटल में 4 रुपए से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से दिखाएंगे हम लोग 2 रुपए से। और जब आप मनी को रिसीव करते हैं तो कंपनी क्या करती है, जब मनी को रिसीव करती है तो वो दिखाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ी सी मतलब कि ये नीचे जो मैंने लिखा है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आप इसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चल सकते हैं। बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगी, आपकी 60,000 जो कि ड्यू थी अलॉटमेंट के समय में वो आप रिसीव कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विद द सेम अमाउंट। मींस आप 60,000 आपकी ड्यू थी और 60,000 आप वहां पे रिसीव भी कर रहे हो। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग और फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव्ड ऑन What number of shares? 10,000 of shares. At what value? 6 rupees per share at the rate of 2 with securities premium. I think कि आपकी ये जो concept है premium को लेकर के ये clear हो गई होगी। और last बस बच गया है कि आपकी जो first and final call है sir, उसमें 3 रुपए आपको दिखाने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग call के लिए क्या करते हैं, अब देखिए कि जब आपकी बारी आई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तो आपने पहले ड्यू दिखाया, जैसे कि आपने अलॉटमेंट के केस में किया था 6 रुपए के हिसाब से, आपको कॉल के समय में भी उनकी फेस वैल्यू जो कि 3 रुपए है, आप कॉल के 3 रुपए से आप उसको पहले ड्यू दिखाएंगे एंड देन आफ्टर आप उसको दिखाएंगे कि आपकी मनी जो है सर वो रिसीव हो रही है। तो पहले जो आप अमाउंट को रिसीव करते हैं सबसे पहले आपको ड्यू दिखानी होती है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विथ 30,000। वाई सर, 3 रुपए तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपकी 10,000 है, तो आपकी टोटल अमाउंट जो ड्यू होनी चाहिए वो हो गई 10,000 × 3 = 30,000। मतलब कि 30,000 आपके ड्यू हो गए हैं। तो मैंने नेल्सन यहाँ पे लिख रखा है बीइंग और फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, और सेकेंड जो आपकी एंट्री होगी होगी जब आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करते हो। इट इज एज सिंपल एज टू टेक सिप ऑफ टी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, जहां पर यहां भी आपकी जितनी अमाउंट ड्यू थी उतने ही आपने यहां पर करके ये से रिसीव करी है। और मैंने निर्देशन लिखा है आपके लिए कि बीइंग और फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यूली रिसीव्ड। आई थिंक कि आपकी आज की जो कॉन्सेप्ट थी प्रीमियम को लेकर के, जो कंपनी प्रीमियम पे अपने शेयर्स को इश्यू करती हैं तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रीमियम को कैसे शो करती हैं, अब अपने आगे के वीडियो सेशन में आपको बताऊंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होती है, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होती है, आप डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर को किस तरीके से सिंपल और सिंपल से सिंपल तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई हिंड्रेंस को फेस किए हुए। मुझे मालूम है कि आप बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन में आप फंसते हैं इश्यू के समय में तो बहुत कम, लेकिन जब आपकी शेयर फॉरफिट हो जाती हैं, मतलब कि अगर किसी शेयर पे पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स पे अगर आपको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको फॉरफिट करना है, तो क्या करेंगे, और वो भी आपका केस क्या है, ऐसा सिंपल नहीं है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो मैं अपने सिंपल से सिंपल जो मैं मुझे लगता है कि नहीं वो अप्रोप्रिएट होगा मैं आपके लिए उस तरीके से उस चीज़ को डील करूँगा। फॉर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यू कैन लाइक इट, शेयर इट विद योर नेटिव वंस, एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching.